आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। चित्तौड़गढ़ जिले के राजमी क्षेत्र में पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्य चुनाव के लिए सोमवार को मतदान हुआ। कस्बे में 71% मतदान हुआ। कस्बे के मतदान केंद्र पर सुबह से ही मतदाताओं की कतार लगी रही। कस्बे के 5 मतदान केंद्रों के 3,880 मतदाताओं में से 2,748 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पंचायत समिति प्रधान का पद इस बार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने के साथ ही यहां कस्बा पंचायत समिति के वार्ड संख्या 3 के लिए अंतर्गत आता है, जिसमें भी उपवार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने से यहां से निर्वाचित होने वाला प्रधान का दावेदार होने से यह मुकाबला काफी रोचक रहा है। मतदान का प्रतिशत अधिक होने से भाजपा में खुशी की लहर है, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं अपनी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं। दोनों ही पार्टियां कार्यकर्ताओं ने मतदान समाप्ति के बाद अपने अपने पक्ष में नारेबाजी की है। मतदान केंद्रों पर आशा सहयोगिनी एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी अपनी भागीदारी निभाई। इन्हें मतदान के दौरान महिला मतदाताओं की पहचान एवं दिव्यांग मतदाताओं का मतदान के लिए बूथ तक लाने का कार्य किया। इसी के साथ राजमी कस्बे के 10 वर्षीय मनोहर लाल जैन ने अपने परिजनों के सहारे मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। इस बार मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। खबर आपकी राजस्थान से, रतन लाल कीर की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के खिलाफ जनता ने उत्साह के साथ मतदान कर रही है और कमर को जिता रही है। कांग्रेस पार्टी ने 2 साल में पूरे प्रदेश का विकास काम खत्म कर दिया और इसी के कारण ये जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ होकर के कमर को जिताने का काम कर रही है। सर